हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। आज मैं आपके बीच दो कंडीशनल सेंटेंसेस लेके आया हूँ, जो कि एक इफ से रिलेटेड है और दूसरा वैन से रिलेटेड है। चलते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हैगा, ठीक है। हम यहाँ पे इफ और वेन का क्लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं गाइस, ठीक है। जैसा कि आपने इस थंबनेल पर देखा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है इफ प्रेजेंट इंडिफिनिट प्लस फ्यूचर इंडिफिनिट। ओके, हिंदी कुछ इस तरीके से आएगी। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। ये तो हो गई इफ़ की कंडीशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे हिंदी में एक एग्जांपल आपको बता रखा है इफ़ से रिलेटेड, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे वेन की, तो वेन भी कुछ इसी तरीके से अपने कंडीशन को फॉलो करता है। When present indefinite plus future indefinite, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा second example हमारा when को दिखाता है, ठीक है, और when को describe करता है। जब मैं उससे मिलूँगा तो वह मुझे सब बता देगा। तो ये हो गया आपका when से। जब मैं उससे मिलूँगा तो वह मुझे सब बता देगा। हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जैसा कि मैंने बताया इफ और वेन का हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, और ये एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी होता है। चलते हैं, इसको हम इसी इस पहले वाले एग्जांपल को हम इफ के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए देखते हैं हम कैसे हम इसको फ्रेम करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर मैं बाजार जाऊँगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा, ठीक है। हमारे पास हिंदी कुछ इस तरीके से कि ये देखिए कि यहाँ पे वो बंदा बाजार अभी गया नहीं है, ठीक है। वो बता रहा है कि अगर मैं जाऊँगा तो ही लेकर आ पाऊँगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे वो कोई सामान खरीद के लेकर आ पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि मैं अगर गया, ठीक है, तो लेकर आ पाएगा, ठीक। तो इस सिचुएशन को ही हमें मद्देनज़र रखते हुए इस कंडीशन को देखना है। कंडीशन कुछ इस तरीके से है, एग्जाम्पल को हमने कुछ इस तरीके से रखा है। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो यहाँ पे हम सीधी तौर से इफ़ की बात करेंगे। इफ़ जैसा कि मैंने बोला अगर, ठीक है, ये हमें सीधा अगर की बात करता है, ठीक है। अगर ये होगा तो ये होगा फ्यूचर के अंदर। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो इफ़ आई, अगर मैं यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज करना है। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो इफ आई गो टू मार्केट, गाइस इफ आई गो टू मार्केट कोमा, ये कोमा हमें देन भी दिखाता है, ठीक है। हम इसको यूज कर सकते हैं तब के लिए, तो और तब, ठीक है। इस कोमा को ध्यान रखना, तो और तब के लिए हमें इस कोमा का इस्तेमाल करना है, ठीक है गाइस। इफ आई गो टू मार्केट, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ आई गो टू मार्केट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, यहां पे देखेंगे तो के लिए हमने कोमा का यूज किया। आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, फ्यूचर इंडिफिनिट के जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला कि आपको फ्यूचर इंडिफिनिट एज इट इज रख देना है, ठीक है। आई विल लाना क्या होता है, आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को, जो कि ये दिखाएगा दो बार किसी सेंटेंस के अंदर गा आ जाए। ये देखिए एक गा यहां पे है, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा या लेकर आऊंगा, तो
यहां पे भी गा आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो दोनों ही बार गा गा का यूज कर देते हैं, यानी कि गा तो दोनों सेंटेंसेस में आ रहा है, ठीक है, दोनों चीजों को जोड़ने के लिए गा आ रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, इफ आई विल गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो यही ना बनाने के पर्पज से मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ताकि आप अपना राइट इंग्लिश को और अच्छी ग्रामर के साथ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, ठीक है। हमारे पास जैसा कि दूसरा मैंने बताया है आपको वेन, वेन भी एक क्लाउज है, वेन, ये देखिए जब और तब, हम अगर क्लाउज की बात करेंगे तो जब और तब को ये डिनोट करता है, ठीक है। जब मैं उससे मिलूंगा तो वह मुझे सब बता देगा, जब मैं उससे मिलूंगा तो, यहां पे अगर तो नहीं लगाओगे तब, तब भी आप यूज करते हो, तब वह मुझे सब कुछ बता देगा या सब बता देगा, ठीक है गाइस। तो इतने ही बस हमें करना है कि इस जैसे हमने इफ का स्ट्रक्चर एज इट इज यूज किया था इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पहले वाले एग्जाम्पल को, ठीक है, उसी प्रकार हमें दूसरे वाले सेंटेंस जो हिंदी है हमारे पास उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें फॉलो करना है व्हेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस में प्लस फ्यूचर। देखते हैं, व्हेन, व्हेन मैं उससे मिलूंगा, जब मैं उससे मिलूंगा, व्हेन आई मीट हिम, ठीक है, व्हेन आई मीट हिम तब, ठीक है, कंडीशन होती तब या तो के लिए मैंने क्या बताया, तब और तो के लिए हम सीधा कोमा का यूज करेंगे। व्हेन आई मीट हिम, अगर मैं जब मैं उससे मिलूंगा तो वह मुझे सब बता देगा। व्हेन आई मीट हिम कोमा यानी तो, ही विल टेल मी एवरीथिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी इसी प्रकार की वीडियोस आपके समक्ष लेकर आ सकूं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और अपना ढेर सारा प्यार इसी तरीके से देते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।